बेटा अभी हमने ट्राइंगल में एक चीज पढ़ी है कि अगर ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, चलिए मैं आपको इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट, चलिए पहले एक दो न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ फिर बाद में करते हैं। ये बी है और ये थीटा है, है ना, ए सीधा जा रहा था वो थीटा एंगल पर टर्न ले गया। अब ये जो यहाँ आपने हमने हम शुरू से एक धागा बांध कर चलते हैं, ठीक है जी, सो ये जो रिजल्टेंट है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब आपको मैं कुछ चीजें इसमें बताता हूँ। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल ली थी कि मान लीजिए ए फोर है, बी थ्री है और ये 60 है। देखिए जो रिजल्ट हमने पहले निकाले वो जस्टिफाई होते हैं। यहां से ये अल्फा है तो देखिए टेन अल्फा बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं वही चार पांच केसेस जो है ना ये एग्जांपल के तौर पर हो जाएंगे। जैसे ये देखिए कि अगर ये जो थीटा है, पहला केस है थीटा जीरो, थीटा जीरो का मतलब है ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन पैरेलल, थीटा जीरो हो गया। अब मैं इसको सीधा नहीं लिखूंगा थ्री प्लस फोर फाइव, सॉरी थ्री फोर प्लस थ्री सेवन, मैं इसको इस तरीके से करता हूं। देखिए ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर इंटू थ्री कॉस जीरो, ठीक है जी, क्लियर। कॉस जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास वन, ठीक है, और ये क्या बनेगा फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एंड प्लस ये क्या हो गया टू ट्वेंटी फोर। अगर आप इसको अब सॉल्व करें है ना फर्दर, यू विल सी दैट रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी फोर एंड थ्री सेवन, क्योंकि ये 49 आएगा, 49 का अंडर रूट सेवन आ जाएगा। तो यार हम यही तो बोल रहे थे कि ए प्लस बी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा ऐड होता है। अब ये देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वो यही आएगा ना, ऐसे यही है ना रिजल्टेंट, है ना, और रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ क्या होना चाहिए अगेन जीरो, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, यहां से निकालते हैं। ये देखिए ये आएगा बी साइन 60 ओवर बी, बी की जगह थ्री ले लीजिए, बी साइन 60 ओवर ए प्लस बी, सॉरी हम एंगल जीरो ले रहे हैं ना, बी साइन जीरो ओवर ए प्लस बी कॉस जीरो। जो साइन जीरो है वो जीरो होता है ना, यहां से सिर्फ टेन अल्फा जीरो आ गया, टेन अल्फा कब जीरो होता है जब अल्फा जीरो, ठीक है जी। इसका मतलब क्या आया कि अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उनमें एंगल होगा जीरो। अगर हम यहां और यहां एंगल जीरो पुट कर दें इस फार्मूला में और इस फार्मूला में तो वी सी कि ए और बी सीधे ऐड हो गए, राइट, और उनका रिजल्टेंट जो है वो फोर के पैरेलल है। तो हमने यही तो पढ़ा था कि जब दो वेक्टर सीधे ऐड होंगे उनका रिजल्टेंट लार्जर वेक्टर के पैरेलल आएगा। अब देखो अब सेकंड एग्जांपल है कि ए एंड बी परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या हो गया 90। अब इनका ये रिजल्टेंट है और ये अल्फा है, देखो इसमें क्या आएगा आर क्या आएगा ए स्क्वायर, ये फोर हो गया ये थ्री हो गया, इसको मैं सीधा लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर इंटू थ्री कॉस 90। यही फार्मूला हमने लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू फोर बी की थ्री थीटा 90, राइट, जो पुट कर दिया तो देखो रिजल्टेंट क्या आएगा कॉस 90 जीरो हो गया, ये सारी टर्म जीरो होगी, फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अंडर रूट बचा ये फाइव आएगा, ठीक है जी। अब ये एंगल निकाल लो टेन अल्फा क्या होता है बेटा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो बी क्या है थ्री, थ्री साइन 90 ओवर फोर प्लस थ्री कॉस 90, साइन 90 वन हो गया कॉस 90 जीरो हो गया, सो टेन अल्फा क्या आया थ्री बाय फोर, यानी कि अल्फा टेन इनवर्स थ्री बाय फोर, क्लियर। अभी देखो इससे क्या हो गया कि जब
ये दोनों पैरेलल थे तो सीधे ऐड हो गए, अगर परपेंडिकुलर थे तो वो स्केयरिंग एंड एडिंग के अंदर गए, राइट। और अल्फा इतना आ गया, वैसे भी यहां से टेन अल्फा निकालो परपेंडिकुलर बेस 3/4 ही आता है, पर सीधा नहीं कर सकते हम, ट्राइंगल कर रहे हैं उस फार्मूले से करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला आपको स्कूल में ठीक है क्रैम करके काम चल जाएगा। अच्छी बात यह कि पहले जैसे मैंने इसका लॉजिक समझाया, लॉजिक पकड़े, अगर लॉजिक पकड़ोगे तो उसका रियल मीनिंग समझ लगता है। अब देखो इसमें थर्ड केस है कि अगर ए और बी के बीच जो एंगल है वो 60 है, जैसे मैंने शुरू में लिखने की कोशिश की, ये 4 ये 3। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, वही ट्राइंगल सीधा लगाएंगे, रिजल्टेंट होगा 4² + 3² + 2 × 4 × 3 cos 60, राइट। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, चलो इसको सॉल्व नहीं करता, आप कर लोगे, cos 60 1/2 होता है ना, ये 1/2 आ जाएगा, फिर वो 2 एंड 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 16 + 9 + 12, लाइक दैट। जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा इससे कम आएगा, क्यों, ये देखिए यहां 16 और 9 में 12 ऐड हो रहा है, वहां 16 और 9 में 24 ऐड हो रहा है, ठीक है जी। यही बात हम समझाना चाहते थे ना कि जब एंगल एक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो रिजल्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें चौथा केस जो है वो 120 वाला लेते हैं, वैसे ही ये काफी छोटा रिजल्टेंट आएगा, ये देखिए अगर ये एंगल 120 है 120, ये 4 ये 3। अब इसमें जो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये होगा 4² + 3² - 2 × 4 × 3 cos 120, राइट। हमने फार्मूला सीधा लगा दिया, a² + b² + 2ab cos थीटा। अब cos 120 क्या होता है, ये -1/2 होता है, याद है आपको, 4² + 3² + 2 × 4 × 3 12 लिख देते हैं, इसको -1/2 लिख देते हैं, माइनस और माइनस खत्म हो गया, ये आ गया जी 16 + 9 - 12। बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां ये प्लस 12 था, मैंने बताया ना यहां b cos 60 ऐड होता है a में, है ना, और यहां वो b cos 60 सबट्रैक्ट होता है, तो ये 120 है तो ये 60 आएगा, राइट। ये और आगे जा रहा है, ये वापस आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्टेंट और छोटा हो गया। और इसमें जो अब ये एंगल निकालेंगे, है ना, तो इसमें एंगल क्या आता था, tan अल्फा b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, मैं कॉमन ही बता देता हूं आपको, यहां आप थीटा 60 लेंगे और a की वैल्यू आपकी 4 है, b आपका 3 है यहां पर, यहां तो इसमें क्या होगा, यही दोनों एंगल 120 आ जाएंगे, है ना, बाकी a एंड b 3 एंड 4 होगा। अब एक लास्ट केस है, वो ये कि अगर a और b एक दूसरे के ऑपोजिट हों, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा रिमूव करके कंप्लीट कर देता हूं टॉपिक को, और ये कर देते हैं, चलो ये डिलीट कर देते हैं, क्या ये कर देते हैं, यहां डायरेक्शन, हाँ थोड़ा सा बस चाहिए। ये देखो अगर हमारे पास a ऐसे है 4 और b इस तरह है 3, अब ये इनमें जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब आप रिजल्टेंट देखिए, ठीक है जी, ये फिफ्थ है, ऐसे कर देते इसको अलग। अब ये देखिए ये आएगा 4² + 3² + 2 × 4 × 3 cos 180, a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 180 -1 होता है, ये बन गया 16, ठीक है जी, प्लस 9, ये क्या होगा 4 × 3 = 12 × 2 = 24, cos 180 जो है वो -1 है, ये +24 नहीं आएगा, -24 आएगा। अब ध्यान से देखना, 16 एंड 9 क्या हो गया 25, -24 ये क्या आ गया 1, प्लस 1 इसकी चलो वो आपने लिखना लिख लो, लेकिन यहां उसकी कोई चक्कर नहीं, हमें पता ही है कि यहां माइनस है। आप ये प्लस माइनस पता क्यों आया, याद करो मैंने शुरू में समझाया था कि अगर आप पहले 4 आगे जाकर 3 पीछे आते हो तो वो +1 है, अगर आप 3 आकर जाकर पीछे 4 आते हो तो वो -1 है, यानी कि मैथ्स दोनों चीज इंडिकेट करता है, ये डिसीजन आपको लेना है कि आपका आंसर प्लस है या माइनस। अब यहां ये प्लस होगा कि माइनस, देखिए हम ये वही पुरानी कन्वेंशन प्लस माइनस, ठीक है जी। अब देखिए 4 पॉजिटिव है,
थ्री नेगेटिव है, आप यहां से चले ना तो आपका ये जो रिजल्टेंट यहां से यहां तक आया ये रिजल्टेंट है ना, ये नेचुरल है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सो ये नेगेटिव नहीं होगा। यहां आप अंडर रूट का प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे ये मेरे पर डाउट कर रहे होंगे, नहीं जी हमें मैथ्स वालों ने बताया या तो प्लस माइनस होता है। बेटा उन्होंने ये बताया था कि यहाँ प्लस माइनस आएगा, ये उन्होंने ये भी साथ में बताना चाहिए था कि ये जो प्लस माइनस है यह असल में प्लस होगा या माइनस होगा, अपने फिजिक्स वाले से पूछ लेना। फिजिक्स में क्लियर होता है कि ये प्लस है या माइनस। फिर रिपीट कर देता हूं, प्लस फोर माइनस थ्री, प्लस फोर माइनस थ्री प्लस वन बचता है, यहां माइनस नहीं लिख सकते। अगर ये थ्री होता और ये फोर होता तो वो माइनस था, इसने ऐसे ही निकालना था आंसर। प्लस माइनस का डिसीजन आपने लेना था, कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। ये मैं बार बार बात दोबारा दोबारा आपको ये बात कहता हूं कि मैथ्स की ब्लाइंड डिपेंडेंस जो है ना वो फिजिक्स का बेड़ा गर्क कर देती है। आपको ये साथ में सीखना पड़ेगा कि मैथ्स की कौन सी चीज फिजिक्स में कैसे काम करती है। मैथ्स बेटा एक मेथड है, मेरी बात समझे ना, मैथ्स एक मेथड है लेकिन उसको कहां कैसे यूज करना है। मान लीजिए एक आर्मी पर्सनल है, उसके पास राइफल है ना, और राइफल गोलियां चला के निशाना लगाने के अकेला काम नहीं आती, और भी बहुत से काम आती। मान लीजिए किसी जगह लड़ाई में क्या क्लोज कॉम्बैट हो गया, तो अब वो राइफल सीधी करे आदमी इतना क्लोज है वो की नहीं जा सकती, तो वो क्या करता है उसको बैक साइड से उसके चेहरे पर हिट करता है। ये फिजिक्स है, यानी कि उसको कई अल्टरनेटिव वे से यूज किया जा सकता है। ये फिजिक्स डिसाइड करती है कि उसमें मैथ्स कैसे काम करेगा, इफ आई एम क्लियर। अच्छा चलिए अब सारा मैं एक समरी दे देता हूं, इसको खत्म कर देते हैं फिर। ये सभी केस हो गए, आपको ये भी पता लग गया इसके स्पेशल केसेस क्या है। अब मैं कुछ चीजें इसके साथ बोलूंगा। सबसे पहले ए बी का जो रिजल्टेंट है, अगर ए एंड बी दो वेक्टर्स थीटा एंगल पर हो तो उसका जो रिजल्टेंट है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आएगा। ए फोर है बी थ्री है, मान लीजिए कि अब इन दोनों, अब मैंने यहां सिर्फ फार्मूला लिखा, ये मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन है। अब हम इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को कैसे बोलते हैं। If A is, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ये आपको डाउट देता है। If A and B are at angle theta, then their resultant is A square plus B square plus 2AB cos theta, and this resultant makes an angle theta alpha with A, which is given as tan alpha is equal to B sin theta or A plus B cos theta. ठीक है जी। अब इसकी मैंने एग्जाम्पल ली एक दो तीन चार पांच, ये वही एग्जाम्पल है जहां मैंने आज से अब से दो लेक्चर पहले जहां से मैंने आपको ट्रायंगल समझाना शुरू किया था। लोग समझाते नहीं है, वो सीधा यूं बता देते हैं, उससे बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं चलता कि ट्रायंगल लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब देखिए मैंने वहां जो एग्जांपल्स ली थी, अब मैं इस चीज से वो दोबारा प्रूव कर रहा हूं। अगर मैं दो वैक्टर सेम डायरेक्शन में लू तो थीटा जीरो हो गया, मैंने इस फार्मूला में इसको पुट किया, ठीक है जी, इस फार्मूला में इसको पुट किया, सो वो यहां से आ गया टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये जब पुट किया तो ये आ गया फोर स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस फोर टू इंटू फोर इंटू थ्री कॉस जीरो, ये सेवन आ गया, यानी कि इसका मीनिंग है ये सीधे ऐड हो जाएंगे। अगर उसमें 90 लिया तो वो स्केयरिंग एडिंग में चला गया जो पहले था, और अगर यहां मैंने इसको ऑपोजिट लिया तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहां मैंने 60 डिग्री एंगल लिया तो रिजल्टेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन डायरेक्ट एडिशन से कम है। अगर मैं उसको एंगल ऑब्ट्यूज ले रहा हूं तो वो सब्ट्रैक्शन हो गई, रिजल्टेंट काफी छोटा हो गया। So, कहने का मतलब यह है कि बड़ा से बड़ा रिजल्टेंट ट्रायंगल आकर डायरेक्ट एडिशन होता है और छोटे से छोटा रिजल्टेंट डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होता है। So, इसका मतलब अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, यानी कि दो वेक्टर इस तरह ए है तो उसके बाद बी है, अगर दोनों में एंगल जीरो हो तो सीधे ऐड होंगे, एक ए इस तरफ बी इस तरफ है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब जीरो से 180 तक जाने के लिए ऐसे आपको दो 180 तक जाने के लिए सारे एंगल देखने होंगे, लेकिन जिस भी एंगल पर हम जाएंगे तो वो जो रिजल्टेंट है वो अगर जीरो पर मैक्सिमम है तो जीरो से एंगल बढ़ता जाएगा तो 180 तक वो रिजल्टेंट कम होता जाएगा। लेकिन ट्रायंगल है इस बात की कैपेबल है कि एंगल जीरो से लेकर 180 तक कोई भी ले लो वो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकती है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।